दो शीना एपिसोड फोटीन हमदान पहुंचते ही वो हमें दरवाज़े पर उतार कर खुद चला गया और फिर रात तक वापस ना आया बच्चों ने रात का खाना खा लिया और सोना ही चाहते थे कि वो आ गया उसके हाथ में कुछ बिस्किट्स और पापड़ के पैकेट थे वो आकर बच्चों के दरमियान बैठ गया और इन्हें अपने गिरद जमा कर लिया वो उनके साथ खेल रहा था और एक एक करके पापड़ इनके मुंह में डाल रहा था मैं इसकी उस रवश पर हैरान हो रही थी गोया ये वो समत था ही नहीं जो सुबह के वक्त मेरे साथ था या जिसे कल मैं देख रही थी उसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था वो सत्तार की बेटी समिया को गुदगरियां कर रहा था इसे चूम रहा था हंस रहा था और उसके साथ खेल रहा था अगले दिन हम काश चले गए सुपहर के वक्त कहने लगा कदम मैं आज महाज पर जाना चाहता हूं तुम आओगी ताकि इकट्ठे हमदान में चले जाए मैंने कहा तुमने तो महाज पर चले जाना है मुझे क्यों साथ लेकर जाना चाहते हो मैं कुछ दिन सदीका के पास ठहरूंगी फिर वापस चली आऊंगी कहने लगा नहीं अगर तुम भी साथ आओगी तो मेरी माँ को शक नहीं होगा लेकिन अगर मैं अकेला गया तो वो समझ जाएंगी कि मैं महाज पर जा रहा हूं उनका दिल टूट जाएगा और यह गुना है हम इसी दिन सुपहर को वापस हमदान आ गए इस बार भी हम सत्तार की बेटी समिया को साथ ले आए थे अगले रोज वो अलल सुबह ही बेदार हो गया और नमाज पढ़कर कहने लगा कदम मैं जा रहा हूं बच्चों का हया रखना हसूसन सत्तार की बेटी समिया का इसे परेशान ना होने देना जब तक वो चाहे उसके पास ही रहना मैंने पूछा कब वापस आओगे उसने कहा इस बार बहुत जल्द हफ्ते के आहर में समद वापस आ गया और मुझसे कहा अब मैं एक या दो हफ्ते तक तुम्हारे और बच्चों के पास रहने आया हूँ पहली रात कोई आधी रात का वक्त होगा कि एक आवाज से मेरी आंख खुल गई मैंने देखा कि समद अपनी जगह पर नहीं है मैं परेशान हो गई हाल में आकर देखा वहां भी नहीं था बैंकर का बल्ब रोशन था देखा तो समद वहां जाए नमाज पर बैठा कुछ लिख रहा था मैंने पूछा समत तुम यहां हो वो चौंक गया कागज तय करके कुरान में रख दिया मैंने कहा रात के इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो उसने कहा आओ बैठो मुझे तुमसे काम है मैं उसके सामने बैठ गई बैंकर काफी ठंडा था मैंने कहा यह काफी ठंड है उसने कहा कोई बात नहीं तुमसे एक जरूरी काम है इसके बाद कुरान पर हाथ रखकर कहने लगा मैंने अपना वसीयतनामा लिख दिया है कुरान के अंदर पड़ा है मैं भी किरार हो गई नाराज होते हुए कहा आधी रात को शोर करके इसलिए मुझे जगाया कि ऐसी बातें करो बड़ी हिम्मत है तुम्हारी उसने कहा गौर से सुनो तक न करो कदम मैंने कहा कोई हैर का कलमा कहो हंसकर कहने लगा खुदा की कसम हैर ही है इससे ज्यादा तो कोई हैर हो ही नहीं सकती उसने कुरान को उठाकर बोसा दिया और कहा ये दीन का हुक्म है कि एक जिंदा मुसलमान को अपनी वसीयत लिख कर रखनी चाहिए मैंने इसमें तुम्हारे लिए पूरी तफसील से सारी चीज़ें लिख दी हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारे हकूक़ में से कोई हक ज़ाया हो जाए मालूमता तो मेरे पास है ही नहीं लेकिन यही जो कुछ मुतसर सा है इसमें से आधा तुम्हारा और आधा बच्चों के लिए है मैंने वसीयत की कि मुझे यही दफनाया जाए मेरे बाद तुम हमदान में रहना ये बच्चों के लिए बेहतर रहेगा अगर मेरे बाद सतार का जसद मिल गया तो इसे भी मेरे साथ दफना देना मैंने रोते हुए कहा खुदाया वो दिन कभी ना आए खुदा करे मैं तुझसे पहले चली जाऊं। वो हंस कर कहने लगा तुम्हें भी मश्क करते रहने चाहिए आज के बाद मुझे सत्तार कहना हज सत्तार मेरी शहादत के बाद कोई भी मुझे समद के नाम से नहीं पहचानेगा मश्क करो वरना तुम्हें खुद अजियत होगी बर्थ सर्टिफिकेट पर समद का नाम सत्तार जबकि उसके भाई सत्तार का नाम समद लिखा हुआ था लेकिन सब इसके बरअक्स इन्हें पुकारते थे समद कहता था काम की जगह पर या महाज पर अगर कोई मुझे समद पुकारे तो मैं समझ जाता हूँ कि या तो इसे गलत फहमी हो गई है या इसे मेरे भाई से कुछ काम है वो हंसते हुए मजाक से कहने लगा ये हमारे बाबा भी क्या करते हैं मैं जिद करते हुए उठ खड़ी हुई मुझे तो नींद आ रही है शब बाहर हज समत आगा मुझे सर्दी लग रही थी मैं लहाफ में घुस गई सर्दी मेरे में घुस चुकी थी दांत आपस में बज रहे थे ऊपर से समद की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था अगली सुबह हम सबसे पहले बिदार हो गया वो ताज़ा रोटी और देसी पनीर ले आया और नाश्ता बना दिया मासूमा और हदीजा को जगाकर इन्हें नाश्ता दिया और मदरसे छोड़ने चला गया जब वो वापस आया तो मैं रात के बर्तन धो रही थी समिया जहरा और महदी अभी तक सो रहे थे वो मेरी मदद करने लगा इसके बाद बैंकर में चला गया और वहां से सीमेंट की कुछ बोरियां उठाकर सीढ़ियों के नीचे रख दी फिर छत पर जाकर एक जायजा लिया इसके बाद हमाम चला गया और एक खूबसूरत कमीज जो वो मक्का से लेकर आया था वो पहन ली वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी जोहर के वक़्त हदीजा और मासूमा को मदरसे से ले आया मेरे खाना पकाने तक हदीजा और मासूमा से उनके स्कूल और सबक के बारे में पूछता रहा फिर उसने कहा बच्चों खाना खा लो फिर थोड़ा आराम करो सुपहर को बाबा के साथ बाजार जाएंगे बच्चे खुश हो गए हम खाना खा रहे थे कि बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया बच्चों ने दरवाजा खोला तो मेरे सुसर थे नहीं मालूम इन्हें कहा से मालूम हो गया था कि समत घर आया हुआ है उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि महाज पर जाए जरा सतार की कोई खबर लेना चाहता हूँ समत ने कहा बाबा जा मैं कितनी बार आपको बताऊं कि फकत आपके बेटे और मेरे भाई ही का जसद उसकी तरफ नहीं रहा बहुत से जवानों के जसद वहां पड़े हुए हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि इन कोई ऑपरेशन करेंगे और दजला के उस तरफ जाकर सारे जवानों के जसद ले आएंगे उसके वालद ने इरार करते हुए कहा मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है मैं हर हाल में जाकर देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ है अगर तुम नहीं आते हो तो बताओ मैं अकेला चला जाऊंगा समद ने एक बार फिर मुझे देखा फिर अपने वालद को कहने लगा बाबा जा आपके आने से सतार इस तरफ तो नहीं आ जाएगा ना अगर आप सोचते हैं कि आपके आने से कुछ तब्दीली हो जाएगी तो याली, उठे अभी चलते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि आपके आने का कोई फायदा नहीं है आपको थकावट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा इसके वालद नाराज होकर कहने लगे ऐसे ही बहाने न बनाओ मैं हतमन जाना चाहता हूं अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बताओ शमसुल्ला के साथ चला जाऊंगा समद बैठकर पूरे हौसले और तहमुल से अपने वालद को समझाने लगा कि सतार का जस्त किस इलाका में पड़ा है लेकिन इसके वालद ने ना मानना था ना माने समद ने बहाना बनाया कि शमसुल्ला तो महाज पर है उसके वालद कहने लगे मैं अकेला ही महाज पर चला जाता हूँ समद ने कहा मैं जानता हूं कि आप भी करार हैं ठीक है अगर आप इसी तरह राजी और खुश होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं कल महाज पर चले जाते हैं मेरे सुसर ने और कोई बात ना की लेकिन रात को वो शमसुल्ला के घर चले गए उन्होंने कहा था कि मैं जरा उसके बच्चों की हरियत दरियाफ्त कर लूं। बच्चों ने जब देखा कि समद इन्हें बाजार नहीं लेकर गया तो वह नाराज हो गए समद उनके साथ मिलकर खेलने लगा इसके बाद उनके सबक के बारे में उनसे बातें शुरू कर दी हदीजा को अमला बोली और मासूमा को एक मशक दे दी मैं एक कोने में खड़ी इसे मुसलसल देखे जा रही थी अचानक वो मेरी तरफ मतवज्जा हो गया और हंसकर कहने लगा कदम आज तुम्हें क्या हो गया है मुझे नजर न लगा देना जाओ मेरे लिए हुरमल जला लाओ मैंने कहा क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो उसने कहा जल्दी वापस आ जाऊंगा दो तीन दिन बाद पापा परेशान है उनका हक भी बनता है उनके दिल पर जहम लगा है इन्हें दजला के किनारे तक ले जाऊंगा जहां सत्तार शहीद हुआ है वो जगह इन्हें दिखाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा मैंने हंस कर कहा हाँ जल्दी लौट आओगे ना वो भी हंस पड़ा कदम की जा की कसम जल्दी आ जाऊंगा मैंने छुट्टी ली हुई है शायद दो, तीन दिन भी ना लगे अब जल्दी से अपने सरताज के लिए दो चाय ले आओ लम्हात की कदर करो अठारवा बाब अगले दिन सुबह समत के वालिद जल्दी आ गए मैं नाश्ता बना रही थी वो कहने लगे रात मैंने सतार को खाब हाँ में देखा है वो बहुत परेशान नजर आ रहा था मैंने कहा कि सतार जा तुम कैसे हो तो उसने पलट कर कहा मैं समत हूं मैं उसे भूसा देने के लिए आगे बढ़ा तो वो मेरी नजरों से ओझल हो गया उसके बाद वो रोने लगे मेरा दिल अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है वो यकीनन दुश्मन की सरजमीन पर उन काफड़ बासियों के पास सख्त अजाब से गुजर रहा है नहीं मालूम वो मुझसे नाराज क्यों था हतमन वो जगह उसके लायक नहीं होगी समद जो अपने वालत को इस इस से निकालना चाहता था हंस कर उनसे मजाक करने लगा नहीं बाबा मजे की बात यह है उसकी जगह बिल्कुल ठीक है सतार अब परवास कर रहा है मेरा ख्याल है कि वो आपसे इसलिए नाराज है कि आपने हम भाइयों के नाम उलट पलट कर दिए हैं मैंने गुस्से से समद की तरफ देखा और होन काटने लगी समद ने अपनी बात को बदलते हुए कहा दरअसल वो मुझसे नाराज है कि मैंने उसका नाम उड़ा लिया इसके बाद मेरी तरफ मुंह करके कहने लगा हत्या कि मेरी बीवी भी मुझसे नाराज है क्या ऐसा नहीं है कदम हानु मैंने कंधे ऊपर उचका लिए उसने कहा मैं बथेरा इसे कहता हूँ इस बात की मशक करे मुझे सतार कहा करे मगर ये मानते ही नहीं अब कल कलां को अगर इतला आए और तुम्हें बताएं कि सितार शहीद हो गया है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि मेरा शोहर शहीद हुआ है ये न कहना कि सितार मेरा देवर है जो कुछ दिन पहले ही शहीद हो गया था ये कहकर वो हंसने लगा वो चाहता था कि हम भी हंसने लगे लेकिन हम गुस्सा हो गए उसके वालद उसे तेज नजर से देख रहे थे समन ने जब ये सूरत हाल देखी तो कहा दरअसल सारी गलती बाबा की है ये क्या मुसीबत थी जो आप हमारे नामों पर ले आए

तुम जो सबसे बड़े थे तुम्हारा नाम इसने सतार लिख दिया शमसुल्ला और सतार जो जड़वा थे नहीं मालूम उसका ध्यान कहाँ था शमसुल्ला की तारीख हि वलादत 1925 लिख दी और सतार की 1957 जब स्कूल जाने के काबिल हुए और स्कूल में इन्हें दाखला करवाने गए तो उन्होंने कहा इनमें से सबसे बड़ा कौन है हमने तुम्हारा बताया तो उन्होंने कहा यह सतार है इसे क्लास अव्वल में भेज दें

दोबारा मेरी तरफ देखकर कहने लगा बिल आहर बेगम अब तुमको भी मश्क करो और अपने शोहर को सतार कहकर बुलाया करो मैंने कहा थोड़ी चापलूसी करो क्या हाजी आगा नहीं कह रहे कि तुम शुरू से ही समझ थे इसके बाद समझ ने बात को आगे न बढ़ाया और अपने वाले से कहा बाबा जा बेहतर है कि आप नहां लें ताकि थोड़ी तबीयत ताजा और हल्की फुल्की हो जाए मुझे थोड़ा सा काम है आप नहाएं तब तक मैं तैयार हो जाता हूं मेरे सुसर ने बात मान ली मैंने भी नाश्ते के लिए दस्तरहान बिछा दिया हदीजा और मासूमा को जगाया मैं इन्हें नाश्ता दे रही थी कि समद आ गया और दस्तरहान पर बैठ गया उसने कहा कदम मैंने उसकी तरफ़ देखा मुझमें देखने की हिम्मत ही नहीं थी खुद जानता था कि जब उसने महाज पर जाना होता था तो मैं इसी तरह परेशान और नाराज़ हो जाती हूँ उसने कहा मेरे दिल में एक रास है जो मैं जाने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने ताज्जुब से उसे देखा वो रोटी के एक टुकड़े से खेलते हुए कहने लगा जिस रात ऑपरेशन होना था मैंने सितार से कहा था कि तुम बटालियन तीन में चले जाओ दरिया की दूसरी तरफ जाने के लिए पहली कश्ती अमादा थी मैंने जब नफरी को गिना तो एक बंदा फालतू था मैंने बहुत पूछा कि कौन अजाफी है किसी ने जवाब ना दिया मैं मजबूर हो गया कि टार्च के जरिए सब जवानों को एक एक करके देखूं। अचानक मेरी नजर सितार पर पड़ी मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आया मैंने इसे कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा कि बटालियन तीन में चले जाओ उसने मिन्नत और हाइश करना शुरू की काश मैं उसे के जाने पर राजी ना होता लेकिन नहीं मालूम मैंने कैसे उसकी बात मान ली और वो आ गया उस रात हमने कितनी मुश्किलों से दजला को आबूर किया इस घटा टोप अंधेरे में दुश्मन की तरफ से बरसती हुई आग के नीचे हम दुश्मन की हारदार तारों तक पहुंच गए तुम यकीन नहीं करोगी हमने इतनी कम तादाद के बावजूद दुश्मन की सरहद को अबूर कर लिया और गोता हानी जवानों का इंतजार करने लगे लेकिन गोता हवार की यूनिट सरहद अबूर करके आगे न आ सके हम अकेले रह गए अब सूरतहाल ये बन गई थी कि हम अपने इसी असलाह के साथ बहुत कम फासला पर इराकी फौजियों के सामने खड़े हो गए और उनसे जंग करने लगे अचानक ने मुझे आवाज दी मैं उसकी तरफ गया, देखा, तो इसे में गोली लगी थी मैंने रुमाल उसके पर बांधा और कहा कि भाई की जान हमारे जवानों के पहुंचने तक दफा करो हमने अपने बंदूकों से इतनी गोलियां बरसाई थी कि वो आग की तरह गर्म हो गई थी हमारे हाथ जल रहे थे उसने अपना हाथ खोलकर मुझे दिखाया अभी तक उसके हाथों पर जलने के नशा मौजूद थे पहले भी मैं इनके इस निशानात को देख चुकी थी मगर न उसने पहले बताया और ना ही मैंने पूछा उसने कहा मेरे लिए चाय डालो हमाम से पानी की शुड़ शुड़ की आवाज आ रही थी समिया जारा और महादी सोए हुए थे हदीजा और मासूमा नाश्ता करते हुए महबूत होकर अपने बाबा को देख रही थी मैंने उसके सामने चाय रखते हुए कहा इसके बाद क्या हुआ उसने कहा इराकी एक टोली को हमारी तरफ भेजते हम अपने इसी असले के साथ अपना दिफा करने पर मजबूर थे इस बरसती हुई आग और इस सूरत हाल में मुझे दोबारा सत्तार की आवाज आई मैं उसकी तरफ भाग कर गया देखा तो अब इसके बाजू पर गोली लगी थी वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था मैंने उसका बाजू बांधा उसके चेहरे पर बोसा देते हुए कहा भाई की जान बहुत से जवान जख्मी हो गए हैं अपने अंदर हिम्मत पैदा करो मैं दोबारा वापस आ गया सूरत हाल बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी मेरे जवान एक-एक करके या तो शहीद हो रहे थे या जख्मी हो रहे थे या दुश्मन की कैद में जा रहे थे तीसरी बार जब मैंने सितार की आवाज सुनी तो देखा कि वह खून में लतपत है दस्ति बम इसके पांव में गिरा था और गले तक इसका सारा बदन सुराख सुराख हो गया था मैंने अपने कंधों पर उठाया वहाँ मौजूद एक मोर्चे में ले गया मैंने कहा हिम्मत पैदा करो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा दरवेशी नाम एक जवान भी जख्मी हो चुका था इसे भी मैं कंधों पर उठाकर इराकियों के कंक्रीट से बनी हुई इस मोर्चे में ले गया जब सितार को उठाकर वापस आने लगा तो दरवेशी ने मुझसे कहा हाजी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे भी ले जाओ क्या मैं तुम्हारा सिपाही नहीं हूँ मैंने सतार को जमीन पर रख दिया और हैरुल्ला दरवेशी के पास चला गया उसे उठाया तो सतार ने कहा बेवफ़ा, मैं तुम्हारा भाई हूं पहले मुझे लेकर जाओ मेरी हालत ज्यादा खराब है वो बहुत सख्त मरहला था बहुत मुश्किल मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था क्या करूं समझ में चाय उठाई और इसे मीठा किए बगैर ही घूंट लेने लगा कदम मैं दो रास्तों में गिर गया था नहीं जानता था क्या करूं आहर में मैंने इरादा कर लिया और उनसे कहा मैं तुम में से फकत एक को लेकर जा सकता हूं अब खुद ही बताओ किसे लेकर जाऊं इस बार भी दोनों ने इशरार करना शुरू किया मैंने जाकर सत्तार के चेहरे पर बोसा दिया और कहा खुदा हाफिज भाई मुझे माफ करना मैंने तुम्हें कहा था ना कि ना आओ उसने इसी हालत में कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना मैंने पूछा कुछ और तो नहीं चाहिए तुम्हें उसने कहा मुझे प्यास लगी है मैंने उसे पानी पिलाने के लिए अपनी बोतल निकाली बोतल हाली थी बिल्कुल हाली इतना कहकर समद ने चाय की प्याली दफ्तरहान पर रख दी और कहा कदम जा मेरी बात ये बात मेरे बाबा को बताना मैं जानता हूँ अभी उनमें यह सुनने की ताकत नहीं है लेकिन इन्हें हकीकत मालूम होनी चाहिए मैंने कहा बस इस तरह सतार शहीद हो गया उसने कहा नहीं मैं इसे खुदा हाफिज़ कह रहा था उसके चेहरे पर बोसा दे रहा था कि इराकी मोर्चे पर पहुंच गए और हम पर कलश फायर करना शुरू कर दिया मेरे कंधे इस वक्त जख्मी हो चुके थे मोर्चे में एक सुराह था मैंने अपने आप को इससे बाहर निकाला और पानी में कूद गया जवान बता रहे थे कि हैरुल्ला दरवेशी इसी वक़्त असीर हो गया था और सतार पर इराकियों ने इसी वक्त क्लाशन फोर से फायर करके इसे प्यासा शहीद कर दिया इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ मैंने कहा नाश्ता कर लो उसने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा मेरी शहादत के बाद ये वाक्य हरफ बहरफ मेरी माँ और बाबा को सुना देना उनसे कहना कि अगर मैंने उनके बेटे के हक में कोई कुताही की हो तो मुझे माफ कर दे इसके बाद हदीजा और मासूमा की तरफ देखकर कहने लगा बाबा की जहाँ उठो स्कूल चले समझ जैसे ही बच्चों को लेकर गया मेरे सुसर हमाम से नहाकर निकल आए ताकि नाश्ता करके तैयार हो जाए वापस आ गया मैंने कहा अगर जाना चाहते हो तो तो बच्चे अभी अभी सोए हुए हैं चले जाओ अभी वो जाग जाएंगे तो तुम्हें जाने नहीं देंगे समत अपना बैग बांध रहा था कि महदी जाग उठा और उसके बाद समिया और जारा भी जाग गई सम बच्चों के साथ थोड़ा खेला इसके बाद इन्हें खुदा हाफिज कहा लेकिन महदी इसके पीछे पीछे दौड़ने लगा उसने इतना दरवाजा कूटा और इतना रोया कि समद दोबारा वापस आ गया महदी को बोसा देकर एक कमरे में ले गया और इसके खिलौने इसके सामने रख दिए वो जैसे ही अपने क्लोनों में मसरूफ हुआ तो वो उठकर जाने लगा अब सबिया ने जिद पकड़ ली इसके पीछे जाने लगी मेरे ससुर गली में थे समद ने कहा जाओ बाबा से कहो कि अंदर आ जाए मेरे ससुर अंदर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी वो काफी उकता गए थे और बड़बड़ाते हुए समत को आवाजें दे रहे थे समत तपाई ले आया और कहा मैं बस भूलने ही वाला था कदम कुछ कंबल ले आओ ताकि पर लगा दूं। काफी सर्दी हो जाती है रात के वक्त खामोशी के लिए रेड अलर्ट के वक्त भी ये फायदा देंगी समिया जारा और मादी खेलने में मसरूफ हो गए लगता था अब वो इत को इतमान हो गया है उनके बाबा कहीं नहीं जाएंगे समत बच्चों से बचते हुए आहिस्ता से तपाई रखने के बहाने सीढ़ियों की तरफ गया और वहीं से खुदा हाफिज कहकर बाहर चला गया थोड़ी देर के बाद एक आवाज आई मैंने सोचा कि समत को आज क्या हो गया है दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वो खड़ा है मैंने पूछा क्या हुआ कहने लगा मेरी चाबियों का छल्ला रह गया है मैंने उसे लाकर दिया सीढ़ियों पर हम एक लहजे के लिए बिल्कुल तन्हा रह गए वो अपना चेहरा आगे लाया और मेरी पेशानी पर बोसा देकर कहने लगा कदम मुझे माफ करना इन चार सालों में मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी है बल्कि जहमत के अलावा कुछ नहीं दिया मेरे कुछ कहने से पहले ही वो जा चुका था मैं सीढ़ियों पर बैठी सोचती रह गई मेरा दिल भर आया था तेल लेने के बहाने सेहन में गई और तेल के कुप्पे को सेहन के कोने से उठाया वो काफी बारी था मैं हाम्पती कांपती मुश्किल से इसे बालकोनी की तरफ लेकर जाने लगी मौसम सर्द था बर्फ़ सेहन में जमी हुई थी मेरे पाँव में हवाई चप्पल थी मैं लरस रही थी बच्चे खिड़की पर खड़े कंबल को एक तरफ किए मुझे देख रहे थे मैं इस हटने वाले कंबल से मेरी नज़र ताकचे में लगी समद की तस्वीर पर जा पड़ी उसके पास वही कुरान पड़ा था जिसमें उसने अपनी वसीयत लिख कर रख छोड़ी थी उसने कहा जब भी बच्चे मेरी जिद करें तो इन्हें यह तस्वीर दिखा दिया करना नहीं मालूम जब भी मैं इस तस्वीर को देखती तो मेरी हालत क्यों बदल जाती दिल बेकाबू होने लगता सांसें बेतरतीब होने लगती और दुनिया जहां के गम मेरे दिल में बसेरा करने लगते हकीकत ये थी कि वो तस्वीर देखते ही हजारों बुरे बुरे हालात मेरे जहन पर हमला आवर हो जाते मैंने कुप्पे को दोबारा उठाया ताकि कमरे में ले जाऊं कि अचानक मेरा पऊँ फिसला और मैं जमीन पर गिर गई मैंने दर्द से दोहरी हो जा रही थी मेरा पऊँ कुप्पे के नीचे आ गया था जैसे तैसे पाऊँ को कुप्पे के नीचे से निकाला दर्द सुई की तरह हड्डियों के गोदे में उतर रहा था बच्चे शीशे खटखटा रहे थे मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी वहीं सेहन में बर्फ़ पर बैठ गई थी और दर्द से बेअतियार आंसू बहाने लगी थी मेरे पाऊँ के अंगूठी का नाहून सयाह हो चुका था दिल कमज़ोर पड़ रहा था बच्चों ने जब भी मुझे इस हाल में देखा तो डर कर रोने लगे इसी वक़्त मेरी नज़रें तस्वीर पर पड़ गई मैं बच्चों के सामने रोना नहीं चाहती थी दांत जोर से होंठों में गाड़ दिए ताकि आंसू पर जब्त कर सकूं। लेकिन दिल में फरियाद कर रही थी समझ समझ जा बस तुम कब अपनी बीवी और बच्चों की खबर लेने आओगे कब तुम हमारे और सिर्फ हमारे होकर रहोगे पिशानी अभी तक इसके बोसे की गर्माई महसूस कर रही थी हजार जतन करके मैं उठी और कमरे में आ गई बच्चे रो रहे थे और किसी तौर चुप होने वाले नहीं थे ऊपर से मुझे इनका दुख भी हो रहा था मैं मुश्किल से उठी और तस्वीर को ताकती से उठाकर नीचे लाई मैंने कहा आओ बच्चो बाबा को देखो वो तुम्हारे बाबा हंस रहे है। हैं बच्चे खामोश हो गए और आकर तस्वीर के पास बैठ गए मादी समत की तस्वीर को चूम रहा था समिया भी आगे बढ़ी और मादी को देखकर और उसकी तरह तस्वीर पर भरोसे देने लगी जारा तस्वीर के चौखट पर प्यार से हाथ फेर रही थी और अपनी मीठी जुबान से बाबा बाबा कह रही थी मेरी तरफ़ देखती और खिलखिलाकर हंस देती थोड़ी देर के बाद तस्वीर के चौखट पर जहाँ बच्चे अपने हाथ और मुंह मार रहे थे दाग पड़ गया था मैं अपने हाथों में अंगूठा पकड़े बैठी थी और जोर से इसे दबा रही थी मैंने समिया से कहा माँ को एक गिलास पानी तो ला दो मैं पानी पीकर वहीं बच्चों के पास लेट गई लेकिन मुझे उठना था क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे थे जहरा के मैले कपड़े धोना थे नाश्ते वाला दस्तरहान अभी तक पड़ा था इसे समेटना था जोहर के वक्त होने वाला था स्कूल जाकर हदीजा और मासूमा को भी लाना था मैंने कुछ नारंगिया एक बर्तन में डाल दी बच्चे जैसे इसे छीलना शुरू होते तो उनसे आंख बचाते हुए उठी चादर ओढ़ी और लंगड़ाती लंगड़ाती हदीजा और मासूमा को लेने चली गई